टॉप थ्री मैनिफेस्टेशन किलर्स, कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन किलर्स जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने ही नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में खुद फीड करी हैं। तो ये टॉप थ्री मैनिफेस्टेशन किलर्स क्या हैं, इसका आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। हाय गाइस, माय सेल्फ आस्था, और मेरे चैनल पे बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस टैरो कार्ड से रिलेटेड वीडियोस की। सो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हो या फिर मेरी किसी भी प्रकार की मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी गई हैं। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स जंप इन टू द टुडेज टॉपिक, द मोस्ट थ्री मैनिफेस्टेशन किलर्स। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपको लिटरली चीज़ें क्या मैनिफेस्ट करनी है। कई बार जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो अक्सर मुझसे पूछते हैं, दी मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है। दो तरीके की मैनिफेस्टेशन होती है, एक मैनिफेस्टेशन जो आपको खुद के लिए मैनिफेस्ट करनी है, और दूसरी मैनिफेस्टेशन होती है कि आपको लोगों को दिखाने के लिए मैनिफेस्ट करना है। तो पहले आपको अपने आप से ये क्लियर करना होगा कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने आप के लिए या आपको लोगों को दिखाना है कि मैं भी, मेरे पास भी चीज़ें हैं, मेरा भी स्टैंडर्ड है। इस तरीके की चीज़ें आपको क्या मैनिफेस्ट करनी है, तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। पहले इस चीज़ का आंसर आप खुद से मांगो। सेकेंड चीज़ आती है कि आप मैनिफेस्टेशन तो करना चाहते हो लेकिन आप अपने डेली रूटीन में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं चाहते हो। आपका डेली रूटीन वही है, सुबह सो के उठना, कंप्लेनिंग के साथ उठना, टेंशन के साथ उठना, दिन कैसा जाएगा, उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे वैसा बोला, ये सब थिंकिंग के साथ अगर आप सो के उठ रहे हो तो ये तो सबसे बड़ी गलती है आपकी कि आप अपने मैनिफेस्टेशन, आप अपने डेली रूटीन को ही पॉजिटिव नहीं बना रहे हो, सकारात्मक चीज़ें कुछ कर ही नहीं रहे हो दिन में। तो ऑब्वियस ही बात है, आपका दिन उसी हिसाब से जाता है जिस हिसाब से आपका मॉर्निंग का फर्स्ट इंटेंशन रहता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर रहे हो, आपके अंदर कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चल रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस तरीके से हो रही है, आप अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करते हो, आपका सेल्फ टॉक क्या है। ये सारी चीज़ें लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ जहाँ पे लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर करी है। कुछ टैरो कार्ड की भी हैं और कुछ मेरे मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप की भी हैं। ये एक इंस्पिरेशन चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको रीड कर सकते हो। नाउ जंप टुडेज टॉपिक की मोस्ट थ्री मैनिफेस्टेशन किलर्स। पहली मैनिफेस्टेशन किलर है सेल्फ डाउट। जब आपको खुद अपने आप पे यकीन नहीं रहता है, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे अमीर होना है, मुझे पैसों को आकर्षित करना है, लेकिन अगले ही पल वो कहते हैं कि ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं कभी दुबई में सेटल हो ही नहीं पाऊँगा, मैं कभी न्यूयॉर्क में अपना बिजनेस जमा ही नहीं पाऊँगी, मैं कभी अमेरिका में स्टडीज़ नहीं कर पाऊँगी। बहुत ख्वाब होते हैं लोगों के, लेकिन वो अपने आप पे जब सेल्फ डाउट करते हैं, सपने देखते हैं लेकिन देखने के तुरंत बाद वो अपने आप को एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं कि नहीं हो पाएगा। सपने देखने में थोड़ी ना फीस लगती है, तो आप जितना पॉजिटिव सोच सकते हो सोचा करो। सेल्फ डाउट आपकी मैनिफेस्टेशन को ख़त्म कर देता है और आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। सेकेंड चीज़ है ढेर सारी चीज़ों की लिस्ट बना के रखना। हम सबकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मैं मानती हूँ। अगर हमने आज पैसा मैनिफेस्ट कर लिया तो अगले ही पल हमको लगता है एक बेहतर घर मिल जाए, एक बेहतर घर मैनिफेस्ट कर लिया तो हमको लगता है कि एक कार भी आ जाए तो अच्छा है। विश लगातार कंटिन्यू हम सोचते रहते हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है, एक टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है कि 2024 में आपके गोल्स क्या हैं, और सिर्फ 5 से 6 गोल्स अपने लिखो जो मेजर हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। ढेर सारी चीज़ों की प्रायोरिटी बनाते फिरोगे तो आप किसी एक चीज़ में मन नहीं लगा पाओगे। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है टेंशन लेना। जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो अक्सर आपके मन में एक टेंशन रहती है कि आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देख लिया, उसमें आपने कोई टेक्निक देख ली तो उसमें कहा है कि 21 दिन में आपकी विश पूरी हो जाएगी, या 2 दिन ये टेक्निक करो आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपको ये समझना होगा कि जो वीडियो बता रहा है, जो बोल रहा है, उसकी और आपकी वाइब्रेशन में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। हो सकता है उसकी विश नेक्स्ट 2 डेज में पूरी हो गई, इसलिए उसने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। ज़रूरी नहीं है आपकी भी वो विश 2 दिन में पूरी हो जाए। हर विश को पूरा होने में थोड़ा सा समय लगता है।
आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी मैनिफेस्टेशन में या अपने पॉजिटिव बिहेवियर में टेंशन नहीं लानी है, वरना ये टेंशन नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये टॉप 3 मैनिफेस्टेशन किलर्स हैं। आई होप आपको काफ़ी खुशी होगी ये चीज़ जान के कि ये टॉप 3 मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो करना बंद कर दो, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपकी विश को पूरा नहीं होने देंगी। और अगर फिर भी आप अटके हुए कहीं, आपकी विश कोई पूरी नहीं हो रही है, तो आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो या फिर मेरा मैनिफेस्टेशन हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अभी काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है। रिमेंबर, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक टू डू लिस्ट मेंटेन करो, अपने आप से हमेशा सकारात्मक विचार रखो। सुबह सो के उठ रहे हो, रात को सोने को जा रहे हो, एक बेस्ट पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, एक बेस्ट पॉजिटिव सेंटेंस के साथ अपने दिन की शुरुआत करो और अपने दिन का अंत करो। पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में ढेर सारी चीज़ें ला सकता है, सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक अफर्मेशंस हमेशा अपने साथ रखना और कंटिन्यू रिपीट करते रहना। आई एम ब्लेस्ड सोल, मैं सकारात्मक इंसान हूँ, मैं भाग्यशाली इंसान हूँ। जितनी बार आप इसे दिन में रिपीट करोगे और कंटिन्यू रिपीट करते रहोगे, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी, वो चीज़ें आपके फेवर में काम करने लगेंगी। यूनिवर्स सिर्फ आपके लिए काम करेगा। जितनी भी नकारात्मक स्थिति आपको आपके आसपास लग रही है, वो सब धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। यकीन करो खुद पे डाउट करना बंद करो। आप लोग हर चीज़ डिज़र्व करते हो। एनीथिंग इम्पॉसिबल इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, याद रखना। तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।